चलिए देखिए, तो यहाँ पर आज आप बच्चों को कैलकुलस बताई जाएगी। कैलकुलस का बिगिनिंग है यानी स्टार्टिंग है। और आप बच्चों को और एक जानकारी दे दें, कल क्या है, शनिवार है, तो शनिवार को कुछ बताया था। हाँ, तो अभी उसका एक पोस्टर भी आपको भेज दिया जाएगा। शनिवार को लाइव यूट्यूब में क्लास होगी जो कि स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी। और सांख्यिकी मतलब जो है बहुत बेसिक से एकदम बताएंगे और पूरा मज़ेदार तरीके से कि एयरफोर्स एनडीए और जेईई मेन लेवल तक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। उसमें एनडीए का जो मतलब जेईई एडवांस होता है उसमें सांख्यिकी नहीं होती है, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और पीडीएफ भी हमारी चल रही बन रही है और वो भी आपको मतलब जो है हो सकता है कल ही मिल जाए, नहीं तो संडे को पक्का मिल जाएगी। मतलब जैसे वेक्टर में हमने प्रोवाइड कराया था, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो उसके बाद आप सीट खुद क्वेश्चन लगा सकते हैं। और आप बच्चे ये जो कैलकुलस है, पूरी कैलकुलस आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। मतलब हमारी ऐप में अभी पूरा कंटेंट नहीं है, लेकिन आप एक ऐप है पहचान कैरियर इंस्टीट्यूट, जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर पहचान कैरियर इंस्टीट्यूट, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और जो है वहाँ पर आपको कई सारे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, कई सारा कंटेंट मिलेगा। और कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से पीडीएफ है, पीडीएफ को जाके देख लेना स्टडी मटेरियल में, और वहाँ से पीडीएफ मिलेगी। तो आप घर में जाकर उसे डाउनलोड करना और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक सर हैं, उनको भी आपको 3-4 दिन में मुलाकात कराएंगे, SSB, जो रामजी शुक्ला का जानते हो ना, हमारा स्टूडेंट है रामजी शुक्ला, उन्हीं से ट्रेनिंग चल रही है उसकी। और आप उनसे भी आपकी मुलाकात करेंगे, मतलब जो है 2-3 दिन के अंदर 10-15 मिनट की एक मुलाकात होगी। मतलब बताया जाएगा कि कैसे NDA में SSB होती है, GD एयरफोर्स में कैसी है, वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप सभी बच्चे जो है सांख्यिकी के लिए ज़रूर तैयार रहना, शनिवार के लिए तैयार होना। कितने लोग बताइए हाथ उठाई, चलो बहुत बढ़िया, हाथ तो सब लोग उठाते हैं, ठीक है। जब जीत निश्चित होती है तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं, बात को समझिएगा। हाथ उठाने में तो बहुत मजा आ जाती, मैं अभी कुत्ता भौंकने लगे तो सबसे पहले पीछे भागोगे। यहां पर आप बच्चों को सबसे पहले यह ध्यान रखना है, कैलकुलस जो कि सबसे बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए आप बच्चों का, और 20 ट्रिकों के साथ पूरी इंटीग्रेशन हम यहां पे खत्म करेंगे। सारे टॉपिक है हम आपको बता दें, सबसे पहला हमारा टॉपिक है फंक्शन। कौन सा है? फंक्शन। पूरी केमिस्ट्री, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कहा जाता है पहले एलिमेंट्स पढ़ो कि कार्बन हाइड्रोजन क्या है ये, फिर हम कंपाउंड, यानी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कहा जाता है केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, वैसी यहाँ पर आपको अगर कैलकुलस स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला टॉपिक है फंक्शन। चाहे लिमिट क्वांटिटी पढ़ लो, चाहे इंटीग्रेशन को पढ़ लो, इंटीग्रेशन फंक्शन का किया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ो, डिफरेंशिएशन किया जाएगा फंक्शन का। तो हर जगह बात आती है फंक्शन की, और फंक्शन के सवाल एयरफोर्स में जरूर आपको मिलेगा। डोमेन निकालने का यानी प्रांत निकालने का, परिसर निकालने का, प्रांस निकालने का, और इन्वर्स निकालने का, बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रही है एनडीए में। तो जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनमें तो पिछली बार 9 क्वेश्चन आ गए थे, 9 क्वेश्चन केवल फंक्शन के। तो इसलिए आप बच्चे जरा ध्यान देना, कभी कभी बहुत छोटे सवाल एयरपोर्ट में, cos 2x का जो है आवर्त क्या है, पीरियड क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। जैसे आप जानते हो आपको अगर sin 18° बोला जाए तो अगर आपको वैल्यूज याद है तो ही बता पाओगे, नहीं मालूम है तो फिर भाई sin 30° बचपन से यूज करते हो, कितना होता है तो क्यों यूज करते हो, क्या आप जरा 7th क्लास वाले बच्चे से पूछना, वो बता पाएगा sin 30°। जहां से ट्रिग्नोमेट्री चालू होती है वो बच्चा याद करता है सबसे पहले इन एंगल को, उससे जस्ट पहले वाली क्लास वाले बच्चे से कह देना sin 30 कितना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं वो बेवकूफ है, वही बच्चा अगर आगे 2 साल बाद पूछोगे उससे तो वो बता देगा 1/2 होता है। वैसे यहां पर भी आपके सामने हम सवाल लगा रखते हैं, आप नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं आप बेवकूफ हो, आपको अगर उसकी नॉलेज दी जाए तो आप सभी उस सवाल को अच्छे से कर सकते हो। तो सवाल न लगाने के कारण नॉलेज नहीं है आपको, इनवर्स नहीं निकाल पाता हूं, सर प्रांत नहीं निकाल पाता हूं, जबकि बहुत इजी है। तो यहां पर हम आज पहला टॉपिक जो हमारा फंक्शन है, लेकिन उस फंक्शन को आज हमने बताएंगे। आज एक समस्या है जो कि सबसे बड़ी मैथमेटिक्स की, आप चाहे RS अग्रवाल ढूंढ लो, चाहे कोई सी भी किताब ढूंढ लो NDA एयरफोर्स की या JEE मेन की, आपको एक चीज कहीं नहीं मिलेगी, एनी क्वेश्चन का मतलब होता है आपका असमीकाएं। सर मैंने बचपन में जो 11th क्लास में सर मैंने पढ़ा है असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी है, वो अलग चीज़ है, वो लीनियर है। हम यहाँ पर एक ऐसी
दिक्कत आपको दूर करेंगे, जिससे कोई दिक्कत आपको कभी नहीं होगी, वो है हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखो, हम आपको जो कैलकुलस में बताएंगे वो आपको बता दें, कैलकुलस के दो पोर्शन पहले मालूम होना चाहिए। जिस इस ये मान के चलो एक बुक है कैलकुलस, जैसे किताब होती थी जब सन 2012-13 से पहले, इंटरमीडिएट में 6 बुक्स होती थी, उसमें एक बुक का नाम था कैलकुलस, एक बुक का नाम था स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स, और एक बुक का नाम था डायनेमिक्स, और भी निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित, ये सब बुक हैं। तो वैसी ये कैलकुलस भी एक अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें 30-40% एनडीए में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलस में आप ये लिखिएगा जरूर, ये मालूम तो होना चाहिए क्या होता है कैलकुलस। कैलकुलस के दो भाग हैं, एक हमारा है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब जहां से इंटीग्रेशन चालू हो जाए, समझ गए होंगे, जिस जगह से इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, एरिया हो गया, ये सब आपके आ गए किसमें, इंटीग्रल कैलकुलस। बाकी इससे पहले फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, आपका डिफरेंशिएशन तक, एओडी, ये हमारा आ गया डिफरेंशियल क्वेश्चन। देखो इसी से समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन तक होगा, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपका जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है उसको हम नाम देते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, और जिसमें आप केवल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं उसे कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अब हम जो आपको टॉपिक बताएंगे उन टॉपिक का क्रम भी आपको बता देते हैं। यहां पर जो टॉपिक होगा, सबसे पहले आज तो हम इनिक्वेशन बताएंगे, यानी कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक पढ़ाएंगे फंक्शन। इसकी फोटो खींच लेना, ठीक है, हमें भेज देना, क्योंकि इसी क्रम में रखना है हमको फंक्शन। दूसरा है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब यहां पर अवकलनीयता बोलते हैं, बिलिटी। और नंबर तीसरा होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और नंबर फोर्थ एओडी, एओडी का मतलब इसको कहेंगे फलन, हिंदी में लिख दो इसको, सीमा, सांतत्य और अवकलनीयता। और ये हो गया अवकलन, और ये होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और नंबर फिफ्थ, इसके बाद सर वो टेंजेंट नॉर्मल वो सब इसी में आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज हो, जैसे डिफरेंट टेंजेंट में डिफरेंशिएशन करना पड़े, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अप्रोक्सीमेशन, सब इसमें आ गया एओडी। एक सवाल इसका भी आ जाएगा, छोटा सा सवाल, एक वृत्त उसकी त्रिज्या लगातार बढ़ रही है, बताइए उसके वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से वृद्धि कर रहा है जब उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। छोटा सवाल, नहीं कर पा रहे हो, बेवकूफ नहीं हो, नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे हो बेटा, ध्यान देना। तो ये आपके टॉपिक है, एओडी भी बहुत अच्छे से हम बताएंगे, और इसमें बहुत अच्छे लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इसमें इस तरह से बता दिया जाएगा कि आपको सवाल सॉल्व हो जाएगा। बहुत ये हो गया टॉपिक, और इसके बाद क्या आएगा, और कौन कौन सा टॉपिक है इसमें, ये हो गया। इसके बाद ये हमारा कौन सा पोर्शन है, ये है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, ये हमारा है डिफरेंशियल कैलकुलस, डीसी यानी डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके बाद आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये हो गया बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और नंबर 6 हमारा है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसके बाद नंबर 7 डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, और यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देखना डिफरेंशियल इक्वेशन, समाकल गणित, इसको अवकल गणित कहते हैं, इसको समाकल गणित में शामिल किया गया, जबकि इसमें भी डिफरेंशियल का यूज होता है, लेकिन आप ज्यादातर इन सवालों को पढ़ते हैं, आप देखोगे इंटरमीडिएट किताब में एक एक्सरसाइज अवकल समीकरण बनाने का होगा जिसमें डिफरेंशियल करके बनाते हैं, बाकी होगा इंटीग्रेशन, हल करो हल करो हल करो, कई फॉर्म होती हैं लीनियर डिफरेंस, इसलिए इसको नाम देते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। और आपको बता दें जेई मेन में अलग अलग आती है बुक, अलग अलग बुक आती है, किसी की मतलब कुछ ऐसे भी राइटर हैं जो अलग अलग बुक देते हैं, जैसे विनय कुमार एक राइटर TMH का, उसकी में जो है डिफरेंशियल कैलकुलस की अलग बुक आएगी, इंटीग्रल कैलकुलस की अलग बुक आएगी, जबकि है वो कैलकुलस,
लेकिन उसके दो पोर्शन होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, दूसरा होगा एओडी। सर ये एओडी तो लिख दिया आई, इसमें आई जोड़ दो। एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसको कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसको कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये होगा बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और भी है इसमें कोई, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडीआई, ये चीजें हैं। देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ टॉपिक समझो इनको, या चैप्टर बोल दो, ठीक है। और ये है हमारा कैलकुलस, ये कैलकुलस का पूरा पोर्शन है, ठीक है बेटा। आपको ये ध्यान रखना, जैसे आपको हर चीज में बोलने का नजरिया, आप जानते हो जैसे सेट लिखते हो तो सेट में ये क्या है, वन टू, ये कोई ये एलिमेंट्स हैं, ये है सेट। तो वैसी कैलकुलस, ये कैलकुलस, ये पूरा कैलकुलस इसको कहा जाएगा। कैलकुलस कोई टॉपिक नहीं है, जैसे एलिमेंट ये क्या है, टू कोई सेट नहीं, वो क्या है एलिमेंट। तो यहां पर ये जो है कैलकुलस हो गया पूरा, इनका कलेक्शन होता है आपका जो है, इनका कलेक्शन क्या होता है कैलकुलस, और ये कैलकुलस जो जिनके कलेक्शन से बन रहा वो कहलाएंगे टॉपिक। तो ये हमारे सारे टॉपिक है, या कह सकते हो चैप्टर है इसके। तो यहां पर अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं है, देखो पूरा एकदम खेल है, पूरा आसान। इसमें हम केवल 20 ट्रिक बताएंगे, पूरी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी। बहुत ऐसी ऐसी बेहतरीन ट्रिक जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। चलिए तो अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक, इनइक्वेशन। बहुत ध्यान से देखना है बेटा, हमारी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें डोमेन निकालने में दिक्कत होती है, कितने सवालों को याद करोगे, कितने सवालों को याद करोगे आप उस समस्या का समाधान, यानी उस समस्या का को समाप्त करना चाहते हैं, तो वो समस्या समाप्त तभी होगी जब आपको इनइक्वेशन आएगा। नहीं तो आप बच्चों को, हम बता रहे हैं, मैंने देखा कई सारे बच्चे क्या होते हैं, डोमेन निकाल लें, सर ये इनइक्वेशन वाला नहीं आता, इसको हम देख लेते हैं ऐसे ऐसे करना। अरे तो कहां तक याद करोगे यार, उसमें बदलाव हो सकता है। तो चलिए आइए यहां पर हम हेडिंग डालेंगे इनइक्वेशन। अब देखो इस इनइक्वेशन में आपको थोड़ा करना पड़ेगा, एक टेस्ट हमारे पास रखा हुआ पहले से ही, कल जब आप आओगे तो पहले 10 या 15 20 मिनट हम आपको देंगे और देखते हैं कितने बच्चे उसमें पूरे में पूरे नंबर लाते हैं, मतलब पूरे में पूरे लाने हैं मान के चलो। वो केवल सवाल होंगे और देखेंगे हम कितने बच्चे, मतलब वो टेस्ट हमें अलग से नहीं बनाना, वो जेई मेन जे एडवांस की जब हम क्लास लेते हैं तो उसमें वो टेस्ट हमारा बना हुआ है, तो जरा देखेंगे हम कल। पहले लिखेंगे इनइक्वेशन, यहां पे लिखेंगे इनइक्वेशन। इसको बताने का कारण और कारण, वो इलेवंथ वाला नहीं बता रहे लीनियर, वो बहुत ईजी है। हमने कहा ये 2x + 1 > 2x - 1, ये सब नहीं बताएंगे कि पता चला x निकालो, ये तो बहुत ईजी होता है, ये सब नहीं सिखाएंगे। इनइक्वेशन क्या है सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, क्या होता है इनइक्वेशन, बता सकता कोई इनइक्वेशन किसको कहा जाता है, आप बच्चों को बता दें। देखो इनइक्वेशन का मतलब है असमीका, जैसे मान लीजिए 2x + 1 = 7, अभी सुनते रहे ना आपको ये मान के चलो, अब आधा पौन घंटे हमें समझाना ही पड़ेगा, बस जहां आधा पौन घंटा हमने बता दिया समझो ये चैप्टर खत्म है, यानी इनइक्वेशन का जो दिक्कत है वो समाप्त। और डोमेन और रेंज निकालने में कभी जीवन में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप सवाल देंगे रूल मालूम है, अरे सर सवाल दीजिए, आप बदल बदल के सवाल देते रहेंगे हम, आप सबके डोमेन निकालो, बस वो दिक्कत होती है रूल ना मालूम होना कारण है। देखो ये क्या है, इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन है बताओ, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है, जब इक्वल टू का साइन होगा उसे इक्वेशन कहा जाएगा। सर इनइक्वेशन जिसमें ये चिन्ह प्रयोग होंगे, ये वाला चिन्ह प्रयोग होंगे, उसी को नाम देंगे इनइक्वेशन, इनइक्वेशन कहा जाएगा। अरे भाई कोई किसी को समझाना हो, कभी मौका मिले पढ़ाने का तो आप बताने का तो ढंग रखना, क्योंकि वो पूछ लेगा आपसे इनइक्वेशन क्या होता है, आप कहोगे इस चैप्टर को इनइक्वेशन कहा जाता है, ये इसका वो उत्तर नहीं है। इनइक्वेशन का मतलब जिसमें ये वाले चिन्ह प्रयोग होंगे उन्हीं को हम नाम देंगे इनइक्वेशन, ये हो गया। जैसे मैंने कहा 2x + 1 > 2, तो बहुत लोग कह रहे हैं, मैंने कहा ये क्या है, बहुत लोग मुंह से निकाल देते इक्वेशन फर्स्ट है, जबकि इक्वेशन फर्स्ट नहीं है, वो इनइक्वेशन फर्स्ट है। अगर ये लिखेंगे तो ये हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट है, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे इक्वेशन फर्स्ट नहीं, वो इनइक्वेशन फर्स्ट है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब बराबर का चिन्ह प्रयोग होगा तो उसे इक्वेशन नाम देंगे। आइए अब हम बात करेंगे इनइक्वेशन में सबसे बेसिक जो डेफिनेशन होती है, बड़े छोटे के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स में सिंबल दिए गए जिनसे आप समझते हो, 10 में 3 को अगर मुझे बोलना है जोड़ना पड़ेगा
तो उसके लिए ये लिख दो, बोलने की जरूरत नहीं है, हर दुनिया का बंदा इसको जोड़ के दिखा देगा। अगर ये लिख दिया तो ये सिंबल दिए गए हैं, आपको मतलब पता चल गया इससे क्या करना है, ये लिखा हुआ है तो ये पता चल गया, बोलने की जरूरत है, दस में तीन को घटाइए, ये हम मुंह से बोलने से बढ़िया एक सिंबल दे दिया। तो वैसे ही यहां पर बड़े छोटे के बारे में ये सिंबल को ये मैथमेटिशियन ने ये नाम दिया कि इस तरीके से हम ये प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा दस दो से बड़ा, हमें ये कैसे बताएंगे, ये वाले चिन्ह से, इसमें बताओ कौन बता रहा है, दस कौन बड़ा है बताओ, दस दो से बड़ा है, बताने जरूरत नहीं सर दिख रहा है दस दो से बड़ा। अब मैंने कहा ए और बी, अब बताइए क्या होगा, आपको किसी को मालूम है ए कितना होता है बी कितना होता है, वो बेटा वो लेटर है, उनको हम चाहें जो नंबर देना चाहे वो दे सकते हैं। मैंने कहा ए हमने दस दिया और बी हमने दो दिया, तो ए क्या होगा बड़ा होगा बी से, लेकिन अगर हम इस बी को 12 कर दें तो बी बड़ा हो गया। तो कभी अगर ऐसे लिखा होता मैथमेटिक्स में एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ये ध्यान रखना एक्स की वैल्यू मान लीजिए वाई से बड़ी है। कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया किसी द्विघात समीकरण के दो मूल हैं अल्फा और बीटा, और कह दिया अल्फा ग्रेटर देन बीटा, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये द्विघात समीकरण है इसके दो मूल हैं कौन कौन अल्फा बीटा, तो मैंने कहा अल्फा माइनस बीटा बताइए क्या होगा, तो इसका उत्तर ये जो दो रूट आ रहे हैं इसके, इसको सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज आएंगे, एक दो और एक दूसरा तीन, तो बताओ बड़ा वाला कौन है, तो उसको अल्फा नाम देंगे और छोटा वाला क्या होगा बीटा। ये नहीं कि किसी को भी कह दो अल्फा बीटा, तो बड़े वाले को अल्फा, तो ये बड़ा यूज होता है बेटा कभी कभी ऐसे सवाल में, ये ग्रेटर देन लेस देन है इनका प्रयोग समझो। आपको ये ध्यान रखिए कभी अगर हम अल्फा ग्रेटर देन बीटा लिखते हैं तो ये नहीं क्वेश्चन में बता रहा है कि अल्फा बीटा से बड़ा है, आप अपने मन से अगर ये ना दिया हो अल्फा बीटा तो किसी को भी अल्फा मान सकते, किसी को भी बीटा मान सकते, लेकिन जब वो ऐसे लिख रहा है बड़े वाले को बीटा नाम देना है, यानी इसको बीटा कह दिया और इसको अल्फा कह दिया, और उस हिसाब से आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए इसको तो बात करेंगे हम, आ रहे इनइक्वेशन, पूरा खेल इनइक्वेशन का चलेगा यहां पर, देखिएगा बड़े छोटे के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये ब्रैकेट प्रयोग होता है। आप देख रहे होंगे हमारे स्पीड जो टेस्ट हो रहा है जो कि हमारी ऐप में हो रहा है रात को 10 बजे, उसमें क्या करते हैं हम ये कहीं ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, इस ब्रैकेट को कहा जाता है, जरा देखिएगा सबसे पहले ओपन इंटरवल क्या होता है। जैसे अगर हमने कहा मैथमेटिक्स में एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स का मान, एक्स की जो वैल्यू है ए से बड़ी है और बी से छोटी है, लेकिन हम इसे एक सिंबल देते हैं, मैथमेटिक्स में एक सिंबल दिया है ताकि दुनिया का हर बंदा उसको पहचान सके क्या कहना चाह रहे हैं, ये चीज ये जानकारी दे दी इसको आज के बाद ऐसा लिखना है, और ये चीज जो है इसका मतलब एक्स का मान, एक्स बिलोंग्स टू का मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में है, लेकिन ए नहीं है और बी नहीं है, उनके बीच के नंबर है, ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, इसको कहा जाता है ओपन ब्रैकेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा एक्स ग्रेटर देन 1 से 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब यह हुआ कि x का मान 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है, ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर हमने लिख दिया x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 7, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 2 और 7 के बीच में, समझना इसको, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू 1 से 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x belongs to 2 से 5 2 से 7, ये हो गया बेटा। नंबर थर्ड अगर हमने लिख दिया x minus 2 से 3, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान minus 2 से 3 के बीच में है, लेकिन minus 2 और 3 नहीं हो सकता बेटा, minus 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, उनके बीच में रहेगा। अगर हम बात करेंगे क्लोज इंटरवल की, क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ बंद अंतराल, क्या हुआ बंद अंतराल, तो बंद अंतराल में क्या होगा बेटा, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, x की जो वैल्यू है मान लीजिए हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब x का मान a और b के बीच में, इसे ऐसे लिखा जाएगा, यानी a और b के बीच में, इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको नाम दिया जाता है क्लोज ब्रैकेट, क्या कहा जाता है क्लोज ब्रैकेट, ये ध्यान रखना क्लोज ब्रैकेट को कहेंगे, और इनको कहेंगे ओपन ब्रैकेट, इनको नाम देंगे ओपन ब्रैकेट, इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है इसको, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप उसे हिंदी में ही प्रयोग करोगे। अब जैसे मान लीजिए सेटी में पढ़ाएंगे तो ए यूनियन बी हर बच्चा बोलेगा, हिंदी मीडियम वाला भी ए यूनियन बी बोलेगा, ठीक है, तो वैसे यहां पर ये ध्यान रखना, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुला अंतराल और इसको कहते हैं बंद अंतराल, तो आपको इंग्लिश में ही ज्यादा अच्छा लगेगा कि क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, यानी इस तरीके से हम ब्रैकेट प्रयोग करेंगे तो इसको ओपन ब्रैकेट, और इस तरीके से ब्रैकेट प्रयोग करेंगे तो उसे क्लोज ब्रैकेट, और अगर ये लिखेंगे 2, इसका मतलब 2 नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा प्रयोग करेंगे तो 2
हो सकता है, इंक्लूड है। अच्छा ये बताइए, x का मान मैंने कहा एक और तीन के बीच में, सॉरी एक और पांच के बीच में, बता सकते हो आप कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगी? बोलो जरा, एक देखते हैं, दिमाग लगाओ। एक और पांच, x बिलोंग्स टू वन से फाइव, कितनी x की इंटीग्रल वैल्यूज होंगी? पूर्णांक मान एक दो तीन चार पांच। अच्छा ये बताइए, अब बताओ x की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, कितने पूर्णांक मान होंगे? वन हटा दो पांच, क्योंकि वन को नहीं लेना, वन नहीं हो सकता है, पांच नहीं हो सकता, यानी उनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, तो तीन इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। तो यहां पर वैसे ही बताइए, इस क्वेश्चन में अगर हमने एग्जांपल दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, एक्स की वैल्यू वन और पांच के बीच में, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स का मान एक और पांच के बीच में, एक और पांच भी हो सकता है। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू क्या है, दो और सात के बीच में है, और दो और सात भी हो सकती है, इसे क्लोज ब्रैकेट कहेंगे। नंबर थर्ड क्या होगा बेटा, x का मान माइनस दो और तीन के बीच में है, तो इसे क्या कहेंगे, क्लोज ब्रैकेट, x की वैल्यू माइनस दो और तीन के बीच में, तो ये हमारा क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, इसको कहा जाएगा क्लोज ब्रैकेट। दो नंबर के बीच में x का मान है उसे कहा जाएगा ओपन ब्रैकेट, और दो नंबर के बीच में वैल्यूज होगी इंक्लूडिंग वो दो नंबर, तो उसे नाम दिया जाएगा क्लोज इंटरवल। जैसे बताइए, इसको बताना, तुम ये मत देखो, अब इसको आप माइंड में बैठा लीजिए, इनसे कोई फायदा नहीं, आपके माइंड में बैठ गया तो बेकार एग्जांपल, सब चीजें आपको हम कुछ भी पूछेंगे बता दोगे इसका मतलब क्या हुआ। ऐसे तो हर कोई जान रहा है इससे, लेकिन ये नया स्टाइल है, इससे जरा समझना है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए होंगे तो दिक्कत होगी, डोमेन ऐसे ही निकलता है ना आंसर। जैसे लिखा है दो से तीन, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मान क्या बोलोगे, इसको हिंदी में क्या फील करोगे, दो और तीन के बीच में है, लेकिन दो और तीन नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताइए, अगर हमने ऐसे लिख दिया, अब बताइए x की वैल्यू दो और तीन के बीच में है, और दो और तीन भी हो सकता है, तो अब ये ब्रैकेट का आपने एक बार आनंद ले लिया, तो अब आपको भविष्य में कोई भी सवाल लिखोगे तो आपको लगेगा ये ऑप्शन एक नहीं है, अलग अलग है। जो पहली बार लड़का देखता तो ये सोचता है यार लिखा तो सबको एक जैसा है, दो और पांच ही लिखा है, लेकिन ये नहीं देख रहे ब्रैकेट का अंतर है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, वहां पे ओपन ब्रैकेट है, तो बहुत बड़ा यहां पर डिफरेंस पैदा होता है। याद रखना है आपको, ये सब मदद करेगा भी, क्यों हम बता रहे, हम वो समस्या समाप्त करना चाह रहे, नहीं तो हर सवाल में मुझे आपको रटाना पड़ेगा, डोमेन निकाल दे, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो मैंने सोचा उस समस्या का अंत ही कर देते हैं, और चीजों को, ताकि कोई भी सवाल के डोमेन पूछ ले, कोई भी सवाल के, कोई भी चैप्टर में आप किसी भी कहीं भी जाके देखोगे, डोमेन का सवाल आपको परेशान नहीं करेगा, और डोमेन ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एनडीए में भी, आप देख लीजिएगा, एयरफोर्स में भी प्रांत पूछ लिया जाता है, तो ये सब आता नहीं है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो याद रखना, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे, नेक्स्ट आइटम डालेंगे, सेमी ओपन इंटरवल, ये देखने में दिक्कत तो नहीं कैमरे की वजह से, बोलिए दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में, सेमी ओपन इंटरवल, नेक्स्ट लिखेंगे सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, बस थोड़ा सा और बता दें, बस ये हम समझे कि किन क्वेश्चन में आपने कर लोगे, बस थोड़ा सा इसका जो है सॉल्व करना, एक सवाल सिखा दे, बहुत बढ़िया तरीके से अगर आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखिएगा, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल को हिंदी में कहा जाता है अर्ध बंद अंतराल और अर्ध खुला अंतराल। जैसे मान लीजिए, सपोज मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए, एक्स का मान ए के बीच में है और बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसको चलो इससे तो समझ में आ रहा है, नया स्टाइल है, ये नया स्टाइल है, ए से बी के बीच में है, समझ में आया ना, या ऐसे भी लिख सकते हो, ए और बी के बीच में है, और इसे क्या कहेंगे, ए है और बी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जैसे मान लीजिए यहां पे लिख दिया दो लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन सेवन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x का मान, x की वैल्यू दो और सात के बीच में है, दो हो सकती है और सात नहीं हो सकती। इसी तरह से नंबर सेकेंड, x की वैल्यू वन और सिक्स के बीच में है, वन हो सकती और सिक्स नहीं हो सकती, इसे कहेंगे क्या, इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल। एक जगह जब दोनों जगह ऐसे लगा होगा तो नाम पड़ेगा ओपन इंटरवल, अंतराल, खुला अंतराल, ओपन मतलब, और जब इस तरीके से दोनों ब्रैकेट होंगे तो क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल, और जब एक जगह इस तरीके से होगा और एक जगह ऐसे होगा तो इसे अर्ध बंद अंतराल या अर्ध खुला अंतराल, तो इंग्लिश में ज्यादा बढ़िया रहेगा, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। जैसे देखिएगा, अच्छा ये बताइए,
अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया माइनस थ्री से एक्स लेस देन इक्वल टू सेवन, इसको कैसे लिखेंगे? इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस तीन और सात के बीच में है, सात हो सकती है लेकिन माइनस तीन, मतलब दोनों जगह अगर ऐसा ओपन, दोनों जगह ऐसा, एक जगह ऐसा, एक जगह ऐसा, मतलब एक जगह ऐसा ब्रैकेट, एक जगह ऐसा ब्रैकेट, तो उसे सेमी ओपन इंटरवल कहेगा, लेकिन कोई पूछेगा नहीं, बस इतना समझ में आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए हमने ऐसा सवाल लिखा तो बताओ कितने एक्स के पूर्णांक मान होंगे इसी, अगर एक्स ये दिया हुआ है, बोलो, दो तीन चार पांच छह, चार पांच होंगे, सात नहीं लोगे। अच्छा ये बताइए, अब बताओ, अब दो नहीं लेना, उनके बीच में लेना, और अब बताइए कितने होंगे, अब क्या होगा, दो और ये कितना होगा, ये होगा दो और ये, इस तरीके से ये चीज है, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना, जबकि दोनों लग रही कि एक ही जैसे लिखा, अरे वो ये जो ब्रैकेट कर दे रहे हो इससे अंतर पड़ जाता है, अलग है भाई, आप ही ध्यान दीजिएगा यहां पर डिफरेंस पैदा हो रहा है, इसको समझिए आप, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चलो ये तो हो गया। अब बात आते हैं जो मेन खेल है जिसके लिए सब तैयार किया गया है आपको, पहले इसको नोट करते हैं, ये पहले एक चीज नोट कर लेना, फिर उसके बाद आ रहे हैं सॉल्यूशन पर, कैसे इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। बच्चों वाले सवाल तो सॉल्व कर लेते हैं आप, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व कर, इससे एक्स निकाल लोगे आप, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको निकालें, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं थोड़ा सा हमें परेशानी होती है, इस टाइप का सवाल है या इस टाइप का सवाल है, ये थोड़ा परेशान करता है, तो इन समस्या का हम अंत करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए देखना होगा, इनको इनके लिए थोड़ा सिखा रहे हैं चैप्टर, ये तो पहले से जानते हो आप, हम इस टाइप के सवाल जो अभी हमने लिखा उस टाइप के सवालों को समझाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने सवाल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, हमने कहा डोमेन बताओ, कभी नहीं कर पाओगे इस सवाल को, कहाँ तक हम तुम्हें रटाते रहेंगे, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, तो इसलिए ज़्यादा बेटर है इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, डोमेन के लिए पढ़ा रहे हैं इसको, रेंज के लिए भी कहीं कहीं पर जरूरत पड़ जाती है, और आगे चल के कई जगह जैसे द्विघात समीकरण मूल वास्तविक हैं तो बताओ क्या होगा, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए ये क्या हो, ये आगे चल के आप पढ़ोगे किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते क्या होता है, आगे चल के हमारे 10 बजे वाले स्पीड टेस्ट में उससे क्या माइंड आपका पावरफुल बना, क्या होता है मूल वास्तविक होते हैं तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए कितना होगा वन, बी कितना होगा सी कितना होगा, तो यहां पर रखो बी, बी की वैल्यू लेमडा स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है वन, सी कितना है चार ग्रेटर देन जीरो, लेमडा स्क्वायर माइनस सोलह ग्रेटर देन जीरो, लेमडा स्क्वायर माइनस चार स्क्वायर, अभी फंस गए फिर वो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेमडा प्लस फोर लेमडा माइनस फोर, अभी ये दिक्कत होगी इन इक्वेशन, बहुत लोग तो इस उल्टा सीधा कर देते हैं, सोलह एल लेमडा ग्रेटर देन चार, ये गलत है तरीका, इस तरीके से नहीं होता, ये क्वेश्चन नहीं है पहली बात दिमाग से, तो ये सब चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, हर जगह जरूरत पड़ेंगी, कई जगह ऐसी जगह होगी कि जहाँ पर आपको इन इक्वेशन से नहीं नॉलेज है तो आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है जिसको बच्चे मुझसे कई बार, मैंने क्या किया इसको जब हमने शुरुआत की थी पढ़ाने की तो हम बार बार सॉल्व करते थे तो बच्चे हमसे कहते थे कैसे पता चल जाता है पॉजिटिव निगेटिव, तो मैंने उस बात का बच्चे ने कई बार बोला, लेकिन मैंने देखा एक बच्चे ने कहा, दूसरे बच्चे ने कहा, तीसरे बच्चे ने, तो मुझे वहाँ से एक शिक्षा मिली, मुझे कहा कि यार बच्चा बता रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो मैं क्लियर नहीं कर, तो मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया कि क्या चीज़ थी, फिर अगली बार एक्सपेरिमेंट किया, अगली बार बच्चों को फिर से बुलाया, मतलब उन बच्चों को नहीं बुलाया, नए बच्चों को मैंने कहा आज इन्हें क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने देखा यार एक बच्चे को समस्या हो रही है, दूसरे को समस्या, हर बच्चा कुछ 10 बच्चे हैं उनमें 8 बच्चे गलत कर रहे हैं साइन समझने में और 2 बच्चे सही कर रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे 2 बच्चों के हिसाब से नहीं, मुझे उन 8 बच्चों के हिसाब से बनना है जिनको समझ में नहीं आए, उनकी प्रॉब्लम को पकड़ा मैंने, मैंने कहा क्या दिक्कत हो रही बेटा, कहीं समझ में नहीं आता प्लस माइनस क्या करते, तो मेरा कारण पता चल गया, तो फिर मैंने अगली बार एक्सपेरिमेंट किया कि वो चीज़ जो मैंने सोची थी उन नए बच्चों में प्रयोग किया, मैंने कहा मैं इस चीज़ को ज़रा हाईलाइट करता हूँ, उस चीज़ को मैंने समझाया, फिर आगे मैंने देखा, मैंने उन सवालों 10 लड़कों को, फिर मतलब 20-25 बच्चे बैठे थे उन सबको सवाल दिए, 25 के 25 बच्चों ने सही किया, तो मुझे लगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, यानी बच्चे अगर कुछ कंप्लेन करते हैं या बच्चे अगर कुछ दिक्कत कर रहे हैं तो उससे नाराज नहीं होना, उससे समझना कहाँ कमी रह गई, मैं तो चाह रहा हूँ कि 100%, तो इसका मतलब उससे पता करो क्या दिक्कत हो रही, वो नहीं बता पाएगा लेकिन तुम पकड़ लो, उसी को डॉक्टर कहा जाता है। यहाँ पर मैंने ये बच्चों से समझा और देखो यही चीज़ लिखा रहे, पॉजिटिव निगेटिव का खेल,
यहां पर मैथमेटिक्स में कभी भी ऐसे लिखा हो ग्रेटर देन जीरो। तो मैंने बार बार समझाया कि बेटा इसका मतलब है पी इज ग्रेटर देन जीरो, पी इज ग्रेटर देन जीरो। तो मैंने कहा पूरी दुनिया कहती है पी इज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन हम कहते हैं पी इज पॉजिटिव। तो ये सेंटेंस बदल दिया हमने, फिर हमने ये बोलना चालू किया, और जहां ये बोलना चालू किया सवाल लगना स्टार्ट हो गए लड़कों के। मुझे समझ में आ गया मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, यानी मुझे चीजें समझ में आ गई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे करके ऐसा भी हुआ है, पहली बार जब हमने स्टार्ट किया तो बच्चों को कम समझ में आया या चीजों को सीखा मैंने उस चीज से, तो बच्चे ने जो कंप्लेन किया। तो ये मैं नई स्टाइल लेकर आया हूँ, पी इज ग्रेटर देन जीरो हर किताब में लिखा है, लेकिन मैंने कहा कि यार पी इज ग्रेटर देन जीरो मैं समझ रहा हूँ, हर बच्चा कैसे समझे, 100 में 98 बच्चा नहीं समझ पा रहा, 2 बच्चा दिमाग लगा के इसको समझ पा रहा, मुझे उन 98 को सिखाना है कि कैसे वो आ रहा है, उन 2 को हटा देते हैं। तो फिर मैंने ये नया स्टाइल है पी इज पॉजिटिव, कभी भी ग्रेटर देन जीरो लिखा हो, अरे जीरो से बड़ा लिखा हो, खुद फील करो वो चीज धनात्मक होगी पॉजिटिव होगी, खुद फील करो। जो चीज जीरो से बड़ी बोल रहे हो आप, उसको हम एक नाम और नया दे सकते हैं कि वो पॉजिटिव है, प्लस साइन है, यानी पॉजिटिव, पी इज ग्रेटर देन जीरो। अरे देखो कभी कभी क्या होता है, एक ग्रेटर देन जीरो, ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, ऐसे सवाल आ गए हैं। मैंने पता है क्या किया था, एक सवाल मैंने प्राइस टेस्ट में लिया था, और प्राइस टेस्ट में जब सवाल लिया था मुझे याद है उसमें एक पूछा था ए का अधिकतम मान, या शायद दूसरा या तीसरा टेस्ट, किसी टेस्ट में एक सवाल था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए। तो जब मैं करेक्शन कर रहा था, क्योंकि जो हमारे टाइपर है, रात का टाइम था, तो भैया उस 2 घंटे बाद मैंने फिर से उसको ओपन किया और देखा यार एक गलती हो गई, अब मैं उनको दोबारा उठा नहीं सकता हूँ, 12 बज रहा, 12:30। तो मैंने कहा इसमें कैसे किया जाए, अभी पेपर होना है किसी तरीके से, मतलब वो शायद 10 बजे के आसपास की बात थी, वो मैंने पकड़ ली गलती। तो अब मैंने कहा इनको फ़ोन भी करूंगा, ये समझेंगे उतनी देर में, 10 बज जाएगा। तो मैंने दिमाग लगाया क्या किया जाए, क्योंकि इंग्लिश में लिखा था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए, और वहाँ पे लिखा था इंग्लिश में ए का मान क्या है, तो दोनों में अंतर है ना, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए का हिंदी क्या होगा, ए का सबसे बड़ा मान। अब मैं परेशान, क्योंकि इंग्लिश में लिखा होता तो मैं लिख देता, अब हिंदी में समझ में नहीं आ रहा कहाँ से टाइप करें, हम ता ढूंढ रहे कि कहाँ से लिख दें अधिकतम मान या सबसे बड़ा मान, तो हो ही नहीं पा रहा सा। तो कई प्रयास किया हमने, जब प्रयास सफल नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि इंग्लिश वाला जहाँ लिखा है लार्जेस्ट वैल्यू, तो वहाँ से हमने लार्जेस्ट हटा दिया। मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जान तो क्या हो रहा था उस सवाल में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ रहा था, और ए की वैल्यू आ रही थी ±5। इसको मोस्टली लड़के गलत कर देते, अगर वो सवाल बन जाता मजा आ जाती। एक ऑप्शन मैंने 5 दिया था, दूसरा 5 दिया था, तीसरा दिया था 0, और चौथा ऑप्शन दिया था कुछ इसी तरह से 2 करके दिया था, या ±5 दिया था शायद। तो मैंने क्या किया वहां पर जब था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो भैया ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन 2 ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। अगर मैं लिख देता लार्ज, तो मैंने इसको हटा दिया, मैंने सोचा चलो यार जब वो गलती हो गई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो -5 हटाना पड़ेगा। तो अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा, ये मान लीजिए हमने 2 कर दिया, कौन सा आंसर होगा। लेकिन अगर हम लिखते व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए, तो जानते हो -5 देखते हो तुम्हें लगेगा ±5 आंसर। बेटा व्हाट इज द, ए की 2 वैल्यूज आ रही हैं, 5 और एक -5, क्या रही है -5। तो ये बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आंसर ±5 होगा, सही आंसर है। लेकिन व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए, ए के अगर 2 मान आ रहे उन दोनों में बड़ा मान कौन सा है, 5, तो आंसर क्या होगा 5। ए का सबसे छोटा मान, अब आंसर ए का मान प्लस अंतर है कि नहीं, तो इसलिए सवाल की लैंग्वेज में भी पढ़ लिया करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर हमने हटा दिया उसका, फिर -5 ऑप्शन हटा दिया हमने, क्योंकि जो मैं कर सकता था जितना मैं टाइप कर सकता था वो मैंने अपने हिसाब से किया। मैंने सोचा ये -5 वाला ऑप्शन हटा दें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कहेंगे तो -5 भी दिख रहा है, -5 दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, एक से ज्यादा ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, लगा किसको टिक लगाएगा, 5 को -5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की बात कर रहे हैं, तो दोनों आंसर हैं। तो फिर वहां पर हमने उस -5 को हटा के 0 कर दिया, तो इसलिए वो 5 आंसर हो रहा है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, एक पी ग्रेटर देन जीरो, जो भी चीज जीरो से बड़ी बोलोगे उसे मैथमेटिक्स में कहा जाता है पॉजिटिव। कभी कभी आपने एक सवाल देखा, मान लीजिए एक क्वेश्चन देखा, शुरुआत में लिखा है यदि इफ, और पता चला ए की 2 वैल्यू, ए इज इक्वल टू 1/2, तो ए क्या होगा ±1/2, और आंसर दिया है 1/2, दूसरा ऑप्शन दिया है -1/2, तीसरा ऑप्शन दिया है 1, चौथा ऑप्शन दिया है 0, कौन सा आंसर आएगा, प्लस माइनस नहीं होगा, 1/2 भी आंसर हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत में क्या लिखा है
इसका मतलब कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसलिए ये वाली वैल्यू रिजेक्ट करेंगे, ये लेंगे। लेकिन अगर यहां पे लेस देन जीरो लिखा होगा तो आप -1/2 टिक लगाओगे। ये सब धीरे धीरे आपका माइंड और पावरफुल बनाने के लिए एग्जाम्पल दिए जाने ताकि आपके सोचने की क्षमता बढ़े। तो याद रखना है आज के बाद पी ग्रेटर देन जीरो लिखा है, कोई भी मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन जीरो लिखा है, हमें क्या फील करना है, उसे ग्रेटर देन जीरो ना बोल के क्या बोलेंगे, वो कहना चाह रहा है वो चीज क्या है, पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव। इसी तरीके से नंबर सेकेंड, ये पी लेस देन जीरो, ये आपने किताबों में देखा है पी इज लेस देन जीरो लिखा हुआ है, यानी पी क्या है, निगेटिव है। पूरी दुनिया कहती है पी इज लेस देन जीरो, हम कहते हैं पी इज निगेटिव। ये पॉइंट याद रखना है, निगेटिव यानी माइनस, पॉजिटिव यानी प्लस। इससे क्लियर होगा कहां पे प्लस लिखना है, कहां पे माइनस लिखना है, तो उस समस्या का अंत हो जाएगा, आपको वो दिक्कत ही नहीं होगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहीं दिक्कत भी हुई है, क्योंकि हमने ऐसा जो कॉन्सेप्ट नहीं लाए, सब चीज शुरुआत से क्लियर करते चले जा रहे हैं। बेटा याद रखना, बात पी ग्रेटर देन जीरो नहीं, बात मैथमेटिक्स में कोई भी चीज ग्रेटर देन जीरो बोल रहे हैं, हम उसको ग्रेटर देन जीरो बोलते हैं, लेकिन हमें कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है ये चीज क्या है, पॉजिटिव है। लेस देन जीरो का मतलब क्या फील करना है, निगेटिव। लेस देन जीरो निगेटिव, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, लेस देन जीरो निगेटिव, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब आपको बता दें इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इससे समझो तो क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब कहना चाह रहा है ए निगेटिव है। मान लीजिए ए की दो वैल्यूज आ रही हैं, मान लीजिए गुणनखंड किया ए की दो वैल्यूज आ रही हैं, और मैंने पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस टू क्या होगा, तो यहां से जब जीरो करोगे तो ए इज इक्वल टू माइनस फाइव होगा, और यहां से जीरो करोगे तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, टू होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा। अब देखो अगर आप ए दो रखते हैं, अगर मैं कहूंगा कौन सा आंसर, ए की वैल्यू रखेंगे तो आप पकड़ लोगे नेगेटिव है। अब देखो इसमें हमने थोड़ा घुमा दिया, आप इसको रखोगे तब भी आंसर आएगा, इसको रखोगे तब भी आंसर आएगा। अगर ए की वैल्यू पूछे तो तुम्हारा दिमाग जल रहा है नेगेटिव है तो ये वाला आंसर होगा। वैसे बताओ अगर ए की वैल्यू बोले जाए कौन सा होगा, ये आंसर होगा, ये होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है ए क्या है, निगेटिव। लेस देन जीरो मत बोलो, क्या कह रहा है, ए क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव ये हो गया और ये होगा। अच्छा बताओ अगर हम इसको ये कर दें, आप बताओ उसी सवाल का दूसरा आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा, अगर ये नहीं कहेगा तो फिर ये दोनों आंसर होंगे, तो ये सिंगल ऑप्शन नहीं होगा, फिर हम यहां पे लिख देंगे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इस तरीके से लिख दिया तो दोनों आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब एग्जाम्पल देने का कारण केवल माइंड को और पावरफुल बनाना है, सोचने की क्षमता बहुत तेजी से आपकी बढ़ जाएगी, सवाल देखते ही आपको सवाल घुमा नहीं पाएगा, आप तुरंत उसका आंसर निकाल लोगे। तो ये क्लियर हो गया, पी ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, पी लेस देन जीरो नेगेटिव। आज के बाद हमसे ये ना बोलना पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलता है, सर प्लस माइनस प्लस का क्या क्या बताने कारण है, आगे आने वाला है एक, उसमें हम प्लस माइनस प्लस लिखेंगे, और हम प्लस लेते हैं तो बच्चों को दिक्कत होने देगी, कैसे पता चल जाता प्लस, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसको बार बार बोलता रहूं पी ग्रेटर देन जीरो तो ये तुम्हारा दिमाग सोच रहा होगा, हर बच्चा नहीं सोच सकता है, लेकिन अब मैंने ये बात लिख दी, अब दोनों बच्चे कवर हो गए यहां पर, यानी वीक और स्ट्रांग दोनों आपके यहां पे कवर हो गए और दोनों ही आपके ब्रिलियंट बन गए। यानी यहां पर ये ध्यान रखना है कि कभी भी ग्रेटर देन जीरो लिखा हो तो क्या फील करोगे, पॉजिटिव, और लेस देन जीरो लिखा होगा तो क्या फील करोगे, निगेटिव। जो चीज ग्रेटर देन जीरो है उसे पॉजिटिव कहना है, जो चीज लेस देन जीरो उसे निगेटिव कहना है। चलो आप देखेंगे सबसे बड़ी, यहां पर हम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, तो पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट मतलब अभी मैंने सिखाया नहीं, हम केवल ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर ये मत सोचना कि हमें तुम्हें आना ही चाहिए, आप यहां पर इसीलिए बैठे हो, नहीं आता है, आ रहा होता तो ट्रेनिंग में बैठे रहते, अभी वहां होते आप, ठीक है, इसलिए आप यहां पर इसीलिए बैठे हो क्योंकि आप जाना चाहते हो वहां पर, आपको एक सवाल दे रहे हैं हम, ठीक है, और ये मेजरमेंट इस चीज का नहीं है कि तुम करना चाहिए आपको, बस हम ये देखना चाहते हैं क्या मैं जो बताऊंगा उससे हेल्प मिल पाएगी, वो तभी हो पाएगा जब इसको मोस्टली स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, 99% नहीं जानता होगा तो मुझे बताने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग जितना जानते हो, कुछ बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं तो ये ज़रूर कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते बिल्कुल परेशान ना हो, अभी गजब तरीके से बताएंगे कि आप कभी भी इस सवाल में नहीं फंस पाओगे, जल्दी से कोशिश करें, प्रयास करें, आप किताब में ढूंढ लीजिएगा, इनइक्वलिटीज दी होगी, आरडी सर में मैं कुछ क्वेश्चन दिए हैं,
लेकिन जो आर डी शर्मा को सॉल्व कराएंगे वो टीचर इसको जरूर बताएंगे। देखिएगा अब हम आपको बता दें कैसे इसका मतलब ये हो, कितने लोगों से हुआ, चलो बढ़िया। देखिए तर तो यहाँ पर हमें खुशी हुई कि किसी को आता नहीं, हमें मज़ा तभी आता है जब मेरे पास जीरो आता है, ठीक है। मतलब जिसको कुछ नहीं आता उसी को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। भाई देखिए आप कोई जोक सुना रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत अच्छा लगता है कोई जोक सुनाना, लेकिन आप जब जोक की स्टार्टिंग करते हो तो यही बोलते हो, मान लो कोई कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोग्राम किसी ने ये जोक सुना, मान लीजिए चार लड़के उसको हाथ उठा देंगे तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा, उन चार लड़कों को तुम बाहर कर दो, उसके बाद देखो उसको जोक सुनाने में कितना आनंद आएगा, क्योंकि उसको मालूम है ये किसी ने सुना नहीं, वो जान रहा है कि इसके बाद क्या होगा, इसको मालूम है जो चार बैठे, बस इन एक काम करो इन चार को बाहर भेज दो, फिर उसका खेल देखो वो गजब तरीके से अपने स्टाइल में और बहुत बेहतरीन तरीके से सुना सको। तो बस यही होता है, हम जो है भाई दो टाइप का हमारा है स्टूडेंट, एक नहीं जानता है उसके स्टाइल में भी बताना आता है, और एक जानता है उसके स्टाइल में बताना, लेकिन वो फिर बैच अलग होना चाहिए, मतलब मिक्स करके नहीं होना चाहिए कि कुछ जानते भी हैं कुछ नहीं जानते हैं, या तो जो जानते हैं वो उनका बैच एक अलग हो तो उनको उस स्टाइल से समझाएंगे और जो नहीं जानते उनको उस स्टाइल में। देखो इधर क्या होगा जरा देखेंगे, यहां पर मान लीजिए एक बच्चे को मैंने सॉल्व करने को दिया क्वेश्चन, मैंने कहा बेटा इसको सॉल्व कीजिए, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट किया बेटा सॉल्व करो, उसने कहा सर ये मुझे आता है, मैंने कहा जितना जानते हो जो कर सकते हो उसमें करके दिखाओ, जो तुम करते हो तुमने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जो तुम कर सकते हो सवाल में करके दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। उसने कहा सर, मैंने कहा करो करो प्रयास करो, उसने कहा ठीक है करते हैं प्रयास। उसने क्या किया, इस तरीके से किया, ऐसे किया उसने प्रयास, कहा ये सर हो गया, ये एक स्टूडेंट ने किया, कई सारे स्टूडेंट बैठे उसमें एक स्टूडेंट को कॉपी चेक की, मैंने कहा ये किया, मैंने उसको इसलिए नहीं किया तुम्हें करना ही है, मैंने कहा तुम जो कर सकते हो करो, इस सवाल स्वतंत्र हैं आप। उसने जब किया तो मैंने उस बच्चे को क्या कहा जरा देखेंगे, यहां पर अब देखिएगा उस स्टूडेंट से हमने जब उसने ये सॉल्व किया तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा ये तरीका गलत है, मैंने कहा तुमने ये कहां से सीखा, मैं बताता हूं तुमने कहां से सीखा। उसने कहा, मैंने कहा चलो तुम ही बताओ कहां से सीखा, उसने कहा सर यहां से सीखा, एक बार इसको जीरो कर दिया, बचपन में सुना था एक बार इसको जीरो कर देना, एक बार इसको जीरो कर देना, यहां से सीखा। मैंने कहा तुम्हारे बताने से ही पहले मैं समझ गया था तुमने यहां से सीखा। एक दूसरे स्टूडेंट को दिया तो उसने भी कई तरीके से सॉल्व किया, तो सब बच्चों ने मोस्टली ये तरीका लगाया, लेकिन ये गलत है, ये ट्रू है केवल और केवल आपका इक्वेशन में। और इक्वेशन में भी क्यों करते हैं हम, मालूम है आपको इक्वेशन में क्यों करते हैं जीरो के बराबर, दो नंबर का मल्टीप्लाई कब जीरो होगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर, दुनिया के दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में जीरो कब आएगा, जब उन दोनों में कोई एक जीरो होगा। इसलिए आपने किताबों में देखा होगा, बचपन में हम भी किताब में देखते थे तो ये लिखा रहता था या, यानी ये समझ में नहीं आता था ये और क्यों लिखता है, इसके क्या करना। लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है, वो ये कहना चाह रहा है इन दोनों का गुणांक जीरो होने के लिए दोनों का जीरो होना जरूरी नहीं है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, और ये जीरो कब होगा, वन रखने पर। अगर ये वन रखोगे ये नहीं जीरो हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका मल्टीप्लाई जीरो हो रहा है चार रखने पर, इसलिए एक्स के दो मान पॉसिबल है, एक या तो वन या तो चार। लेकिन बेटा यहां पे लाना है ग्रेटर देन जीरो, यहां पर हमें जीरो नहीं लाना है, यहां पर पॉजिटिव लाना है। कैसे लाना है, ग्रेटर देन जीरो क्या बताया, पॉजिटिव। बेटा सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्व का मतलब हल करो, हल करने का क्या मतलब होता है, जैसे बचपन में आपने सॉल्व किया होगा ये निकालते थे आप एक्स इज इक्वल टू थ्री, क्या मतलब हुआ इसका निकल गया है, बेटा ये क्या है, ये वो x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर आप x की जगह तीन रखोगे छह और एक सात सेटिस्फाई कर रहा है, चलो ये आंसर हो गया। ये सर ये क्वांटिटी क्या है, इसका आंसर सर ये है एक्स इज इक्वल टू टू, हाँ बिल्कुल सही है, ये दो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके गुणनखंड होते हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। सर क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, बेटा सॉल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट लिखो, कंप्लीट लिखो तभी वो कंप्लीट एक सॉल्यूशन माना जाएगा। मैंने कहा मेरा मोबाइल नंबर ये है, आपने कहा नहीं सर आपने गलत लिखा, मैंने कहा क्या गलत लिखा, आपने चार ही डिजिट लिखे, लो मैंने कहा दो और बढ़ा दी, बताओ सही है, आपने कहा नहीं सर आपकी छह डिजिट है, मैंने लगा लो आप बताओ आप ठीक है, बताओ आप कितनी डिजिट है, नहीं आपने कहा कि जैसी एक और लिख दिया, हाँ सर ये आपका मोबाइल नंबर है, यानी है दस डिजिट लेकिन ये एक नंबर है, एक पर्सन है कोई,
वैसे ही आपका ये सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक जो सेटिस्फाई करे उसको लिख दो। सॉल्यूशन का मतलब जितनी वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर सकती है उस इक्वेशन को, वो उनको लिखो। तो यहां पर आपने एक और लिखना पड़ेगा, बस ये क्वाड्रेटिक के दो ही सॉल्यूशन होते, दो ही। वैसे आपको बता दे बेटा, इस इनिक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इनिक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप बच्चों को बता दें इस इनिक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढनी होगी। सर इसमें सेटिस्फाई कैसे होगा? मैंने कहा क्या? उसने कहा सर ये देखिए इसमें तो समझ में आ रहा है इक्वल टू 7 लाना, इसमें कैसे सेटिस्फाई कराएंगे? अरे आपको ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढनी होगी जिसमें इन दोनों का गुणनफल क्या हो, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 ना बोलो, क्या करना लाना है? पॉजिटिव। ऐसा एक्स का मान ढूंढना होगा, इकट्ठा करना होगा उन सारी एक्स की वैल्यूज को, जिसको रखने पर इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, वो क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। आपने क्या किया, मान लीजिए 5 रखा, तो 5 अगर यहां पर पुट करते हो, मैंने पूछा क्या ये 5 सॉल्यूशन है? 5 में 1 गया 4, 5 में 4 गया 1, क्या ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 रखने पर क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 6 सॉल्यूशन है? अगर सर 6 को रखोगे, अगर सेटिस्फाई करेगा, 6 में 1 गया 5, 6 में 4 गया 2, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इसको सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 3 सॉल्यूशन है, आपने कहा सर रख के देखिए, अगर सेटिस्फाई करता है तो वो सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, और ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं है सॉल्यूशन। लेकिन आप खुद बताओ, आप खुद इतने समझदार हो, आप कहोगे अभी 3 नंबर है, अभी तो बहुत सारे नंबर है, कहां कहां तक रख के देखोगे? बिल्कुल दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी इनिक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए इंपॉसिबल टाइप का लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज है। और सर कह रहे कि उन सबको लिखो, कैसे लिख पाएंगे सबको? क्योंकि यहां पर 2-4 वैल्यूज को लिख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज को कैसे लिख सकते? कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही, कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल परेशान ना होना, आपके लिए हम लेकर आए एक मेथड जिसे हम नाम देते हैं वेव इकर्व मेथड। यानी वेव आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, उसी तरीके से नाम होता है इसका, देखिएगा वेव इकर्व मेथड बोला जाता है। क्या करेंगे यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तरीका सीख रहे हैं हम इस इनिक्वेशन का सॉल्यूशन करने का, तो सुन लेना, जो जो सेंटेंस बोलेंगे उनको माइंड में ढंग से बैठा लेना, कभी दिक्कत नहीं होगी। जब सेंटेंस को आप ढंग से नहीं सुनोगे तो दिक्कत हमेशा बनी रहेगी, हमारे शब्दों में ही आपकी समस्या का समाधान है। सबसे पहले ध्यान रखना फैक्टर लीनियर होने चाहिए, लीनियर मतलब एक एक घात होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस माइनस 3 दिख रहा है, तो इसको आपको लीनियर बनाना होगा, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या तोड़ोगे? एक्स प्लस 2 एक्स प्लस, तो फैक्टर मल्टीप्लाई में होने चाहिए और लीनियर होने चाहिए। चलिए ठीक है, लीनियर होने चाहिए, मल्टीप्लाई में होने चाहिए, ठीक है। और जिसको निकाल रहे हो यानी जिसको फाइंड कर रहे हो, उसका जो गुणांक है वो पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव का मतलब है 4 माइनस एक्स, तो सर नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यूनिटी होना चाहिए। दो बातों का ध्यान रखना है, पहला फैक्टर लीनियर होने चाहिए, मल्टीप्लाई में होने चाहिए। दूसरा क्या ध्यान रखना है? दूसरा ध्यान रखना है जिसको ज्ञात कर रहे हो एक्स को, जो भी अननोन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका कोफिशियंट पॉजिटिव रखना है। तो चलो ये बात ध्यान रखी। चलो अब सर कैसे करेंगे ये सिखा दीजिए। बिल्कुल सिखाएंगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि ये आपका फैक्टर कहां पर जीरो हो रहा है। सर ये पता कैसे चलेगा? इसको जीरो करके पता करो, लेकिन इतना बड़ा मत किया करो, ये तो साफ साफ दिख रहा है। क्या मैं एक्स रख दूं ये जीरो हो जाएगा, 1। क्या मैं ये रख दूं जीरो हो जाएगा, 4। अगर क्या रख दूं जीरो हो जाएगा, माइनस फोर रखने पर जीरो होगा, लेकिन अभी क्या रखने पर जीरो होगा, 4। तो क्या करेंगे, नंबर लाइन बनानी है। ध्यान रखना सबसे पहला जो छोटा नंबर है उसको लिखो, कौन छोटा है इन दोनों में, 1, फिर 4, 4 को लिखेंगे। सर ये दो ही नंबर है, अरे नंबर लाइन है, नंबर लाइन किसको कहा जाता है, नंबर लाइन किसको कहा जाता है बेटा? नंबर लाइन का मतलब जिसमें नंबर को लिखा जाता है, सारे नंबर माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक के सारे नंबर को लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, जिन पर फैक्टर जीरो हो रहे वही नंबर केवल नंबर लाइन में लिखने हैं। चलिए सर लिख दिया, अब बताइए सर क्या होगा? सर ये जो 1 और 4 लिखा है, क्या इनके अलावा और नंबर क्यों नहीं है? नंबर लाइन फिर क्यों बोल रहे हो? नंबर लाइन का मतलब सारे नंबर होंगे। सर 2 तो नहीं दिख रहा, उसको नहीं लिखना है बेटा, 2 होगा, 1.1 भी होगा बगल में, 2 भी होगा, 3 भी होगा, तभी तो 4 आएगा और 5 भी आएगा, उनको नहीं लिखना है। नंबर लाइन में टेक्निक है, केवल उन्हीं नंबर को शो करना है, उन्हीं नंबर को लिखना है जिनको क्या कर रहे हैं बेटा, जिनको क्या कर रहे हैं, मतलब जो मतलब वैल्यू जहां पे वो जीरो हो रहे फैक्टर, उनको लिखना है और को नहीं लिखना। उसके बाद क्या होगा, हमेशा इधर से आओगे, इस पर जंप मारोगे एक वेव की तरह, इस तरह से फिर इधर आओगे और फिर ऐसे चले जाओगे,
और हमेशा इधर साइन देना है प्लस, हमेशा ध्यान रखना इधर से स्टार्ट करना, इधर से नहीं, बीच से नहीं, इधर से प्लस माइनस फिर प्लस। एक बच्चे ने कहा सर ये प्लस माइनस प्लस का क्या चक्कर है, पूरा डिटेल में समझा दे, प्लस का क्या चक्कर है जरा समझना, ये वैल्यूज बताओ कैसी है, ये वैल्यूज कैसी है, चार से बड़ी है चार से छोटी है, अरे आगे जा रहे हो चार से बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ चार से बड़ी कोई भी एक्स की वैल्यूज यहां पर पुट करोगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स की वो सारी वैल्यूज जो फोर से बड़ी इसमें पुट करोगे, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव होगा। और हमें कौन सी एक्स की वैल्यू को ढूंढ रहे, किन एक्स की वैल्यूज को इकट्ठा कर रहे हैं, जिस पर उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या इनको सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल करोगे? बिल्कुल। ये वाली बताइए वैल्यूज कैसी हैं, वन और फोर के बीच में, और एक और चार के बीच में कोई भी वैल्यूज उसमें पुट करोगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या इन वैल्यूज को सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल करोगे? नहीं करेंगे। अब बताइए ये वैल्यूज कैसी हैं, एक से छोटी है, और ये एक से छोटी वैल्यू आप समझ गए होंगे, एक से छोटी वैल्यू कोई भी इसमें पुट करोगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसको भी सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल करेंगे। देखो ये फील करा है हमने आपको। और ये देखिए आपने जो पांच रखा था छह रखा था वो सारी सारी वैल्यूज क्या है, चार से बड़ी थी। कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, चार से बड़ी कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और एक से छोटी कोई भी वैल्यू रख के देख ली, सर माइनस टू रख के देखिए जरा, माइनस टू रखो आपके सामने रख रहे हैं, माइनस टू, माइनस टू माइनस फोर, और ये माइनस टू में माइनस वन एड माइनस थ्री, और ये माइनस का सिक्स, और ये माइनस माइनस प्लस का एटीन, पॉजिटिव आ रहा है। एक और तीन के अभी रखा तो था, तीन रखा तो था, क्यों काट दिया उसको, क्योंकि नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। रखो थ्री, कितना होगा, थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस फोर, और ये कितना होगा टू, और ये हो गया माइनस वन, कैसा आ रहा है, निगेटिव। सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसलिए सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे एक से छोटी वैल्यूज और चार से बड़ी वैल्यूज। लेकिन सर समस्या है सर, मैंने कहा क्या समस्या है बेटा, सर मैं लिखूंगा कैसे, इतनी सारी वैल्यूज को लिखूंगा कैसे, क्योंकि आपने ही कहा कि सॉल्यूशन का मतलब है सबको लिखो, और इतनी सारी वैल्यूज को कैसे लिखूंगा। मैंने कहा बेटा मैंने आपको शुरुआत में क्या पढ़ाया था, कहा सर ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो उसका इस्तेमाल करोगे, दो से बड़ी वैल्यू तो लिख दो से इनफाइनाइट, दो से बड़ी वैल्यू को क्या लिखोगे, सबको कैसे लिखना है, इसी ब्रैकेट का यूज करेंगे, दो से बड़ी तो दो से कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो आप एक काम करो, पहले यह बताओ वन और फोर सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, अगर वन सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा, और नहीं करेगा तो नहीं। सर ये कैसे पता चलेगा, रख के देखो, रख के क्या हो रहा है, वन रखो जरा क्या हो रहा है, अरे वन रखोगे तो वन रखने पर गुणा में एक भी जीरो होगा, मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, और हमें मल्टीप्लाई जीरो नहीं लाना है, हमें मल्टीप्लाई पॉजिटिव लाना है। जिस एक्स को रखने पर इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा होगा या जीरो आ रहा होगा, उन एक्स को सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल नहीं करना है, तो वो फोर भी नहीं करोगे। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, अब बताएं तुम्हें क्या करना है, ये सब डिटेल में ना करना, ऐसे कर देना प्लस माइनस प्लस, और जो बता रहे थे ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पे टिक लगा देना। अब इधर से आना है, इधर से, इधर कौन है, माइनस इनफिनिटी, तो ये लिखोगे माइनस इनफिनिटी से क्या होगा, वन, वन सॉल्यूशन है कि नहीं है, अगर ऐसे होगा तो इसका मतलब वन सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल कर रहे हो, लेकिन नहीं, वन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, ये वैल्यूज इकट्ठा कर रहे हो, यूनियन लगाना पड़ता है बीच में, फिर उसके बाद कहां से ले रहे हो, चार से, और चार से कहां तक, इन्फिनिट तक। ये क्या है सर, ये क्या है, अरे बेटा ये वो ढेर सारी वैल्यूज है जो इस इनिक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ये हमने वो ढेर सारे इकट्ठा किए इसकी वैल्यूज जो इस इनिक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, हमारा सॉल्यूशन सेट है, इसको हम सॉल्यूशन सेट बोल सकते हैं, और इस इनिक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब दिक्कत आती है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता, यही सवाल है, इसी में वेरिएशन कर रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, सॉल्व, ये लिखा है x माइनस वन एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो, अब बताओ क्या होगा, कहां पर जीरो, वन पर जीरो, फोर पर जीरो, वन लिखा फोर लिखा, इधर आए इस पे जंप मारे होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव पे टिक लगाया, देखो लेस देन जीरो देखने से समस्या आ रही है, लेकिन मैंने तुम्हें इसीलिए बार बार वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि लेस देन जीरो मतलब निगेटिव लाना है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव लाना है, तो निगेटिव पे टिक लगाओ, कुछ नहीं सोचना कि इतने वैल्यू में निगेटिव आया, निगेटिव पे टिक लगाओ, तो आंसर क्या होगा, निगेटिव कहां से कहां तक है, तो वन से फोर, अब वन और फोर सॉल्यूशन है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि वन रखने पर जीरो आएगा, फोर रखने पर, अब एक बच्चे ने हमसे बोल दिया
कहा सर मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, आप जब ये दूसरा सवाल जब समझाते हैं थोड़ा दिक्कत होने लगती है और ब्रैकेट का थोड़ा समस्या आने लगती है। मैंने कहा परेशान ना हो, उस समस्या का भी अंत कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक और चार, देखो उसने क्या कहा, देखो इसको सॉल्व करो जरा क्या होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस कैसा लाना है, अरे लेस देन जीरो, इक्वल टू मत देखो तुम, लेस देन जीरो पे ध्यान दो। वो लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब वो इक्वल टू जीरो के बराबर भी, लेस देन जीरो है कि नहीं, निगेटिव निगेटिव पे टिक लगाओगे तो अब क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। देखो जिस एक्स पर इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा होगा वो वैल्यू सॉल्यूशन होंगी, साथ में जिन पर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा होगा उनको भी सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, यानी वन और फोर भी हमारे सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, वन और फोर भी क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा, क्लोज ब्रैकेट। तो देखो समझ लो क्लोज ब्रैकेट क्यों, क्योंकि वन रखो क्या आ रहा है, जिस एक्स को रखने पर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा होगा वो एक्स हमारे सॉल्यूशन है। वो एक्स कौन से हैं, चार से बड़े और एक से, एक और चार को क्यों शामिल किया सॉल्यूशन की लिस्ट में, क्योंकि यहां पर क्या है, जीरो भी लाना है। अच्छा अब देखो इधर समस्या का अंत कैसे, सर ब्रैकेट की जो समस्या वो कैसे अंत हो गया, बिल्कुल देखो जब इक्वलिटी नहीं होगी, इक्वलिटी नहीं मतलब ये चीज ना लिखी हो तो हर जगह क्या ब्रैकेट लगाना, अगर इक्वलिटी आ जाए तो हर जगह क्या लगाना, क्लोज। देखो यहां पे इक्वलिटी आई, हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगाया, यहां पे इक्वलिटी है हर जगह क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। यहां पर इक्वलिटी है नहीं है, और यहां पर नहीं है तो हर जगह ओपन ब्रैकेट। लेकिन अगर इक्वलिटी आ जाए होगा वही, इससे परेशान ना होकर इक्वलिटी से, वो ग्रेटर देन जीरो ही फील करो तुम। इक्वलिटी का केवल रोल है ब्रैकेट बनाने का, क्लोज ओपन ब्रैकेट बनाने का। अगर इक्वलिटी आ जाएगी तो हर जगह क्या होगा, क्लोज। अरे देखो जब हम लिखते थे एक्स ग्रेटर देन टू तो ओपन रहेगा, इक्वलिटी आएगी तो क्या बन जाता है, क्लोज बन जाता है। इक्वलिटी आने का मतलब केवल यह ध्यान रखना क्लोज ब्रैकेट बनेगा। और एक चीज और ध्यान देनी है, बात को समझिए, अगर इक्वलिटी आ गई तो हर जगह क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट बनेगा। चलो ये भी बात समझ में आ गई, सर इसका आंसर, सर यहां पर ये इसमें इक्वलिटी, इसका आंसर ये होगा। सर ये क्यों किया, सर आप कहते हैं कि क्लोज ब्रैकेट बनेगा, सॉरी यहां पे नहीं, आप कह रहे हैं हर जगह क्लोज ब्रैकेट बनेगा, यहां पर नहीं बनाए माइनस इन्फिनिटी, बेटा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे कभी वो क्लोज ब्रैकेट इसलिए नहीं बनेगा। सात हो सकता है, पहुंच सकता है कोई सात पर नंबर लाइन में, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा सात के बाद आगे बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी पर कोई पहुंच पाएगा, इसलिए इन्फिनिटी किसी का मान नहीं हो सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए इक्वलिटी हो या ना हो आपको माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर सदैव ऑलवेज क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है। और ओपन ब्रैकेट हर जगह लगाना है अगर इक्वलिटी नहीं है, और अगर इक्वलिटी आ गई तो हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगाना, लेकिन ध्यान रहे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर क्या लगाना, ओपन, मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट लगाना है। चलिए आइए देखते हैं, रब करें बेटा इसको। देखो जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया, इधर देखना जरा, सॉल्व एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, शुरुआत में दिया था इस टाइप का सवाल। देखो इधर अभी कोई नहीं करेगा, पहले देख लो एक दो तीन सवाल, इसमें वेरिएशन करेंगे, कहां पर जीरो, सर वो इसको जीरो, यार ये क्यों कर रहे छोटे बच्चों की तरह, दिख नहीं रहा क्या है, वन पे जीरो हो रहा, साफ साफ दिख रहा है। एक्स की जगह क्या रखोगे, टू रखोगे तो जीरो होगा क्या, टू रखने पे चार हो जाएगा माइनस टू, यहां पे क्या रखने पे जीरो होगा, तीन। चलो अब नंबर लाइन बनाओ, अब तुम ये नंबर नीचे लिखने का कारण क्या है, इससे पता चल जाता है सबसे छोटा नंबर कौन है, क्योंकि नंबर लाइन में हमें नंबर बढ़ते हुए क्रम में लिखना, कौन है सबसे पहले लिखोगे, ये नहीं जो पहले आ रहा है उसको लिखना, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, फिर वन फिर थ्री, इस तरीके से आए, कुछ नहीं सोचना, रिलैक्स होकर करो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसा लाना है, कैसा लाना है, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले पे टिक लगा। अब क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, पॉजिटिव कहां से कहां तक है? ये देखो ना कहां से कहां तक जा रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, इसको मत देखो, ये चीज जा कहां से कहां तक, यहां से यहां तक जा रही है, तो इतना यहां से यहां तक, और ये कहां तक जाएगी, तो ये क्या लिखेंगे आंसर, माइनस टू से वन यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। ये क्यों हर जगह ओपन, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। अच्छा ये बताओ अगर इक्वलिटी आ गई, अब बताओ अब हर जगह क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर ओपन लगेगा। अच्छा ये बताइए, एक मिनट रुक जाओ जरा, सवाल वैसे ही होगा भी, कैसा लाना है, नेगेटिव, तो क्या करोगे, सबसे पहले माइनस टू फिर वन फिर थ्री, अब क्या करोगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसा लाना है,
निगेटिव, निगेटिव कैसे लाना है, तो निगेटिव पे टिक लगाएंगे, इधर से लिखना चालू करेंगे, तो निगेटिव कहां से कहां तक है, माइनस इनफिनिटी से माइनस टू, हर जगह क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, क्यों लगा रहे हो, इक्वलिटी नहीं है, यूनियन, फिर कहां से कहां तक, वन से थ्री तक, हर जगह क्या लगेगा, अच्छा ये बताइए अगर इक्वलिटी लगा दी तो हर जगह क्लोज ब्रैकेट लगेगा, हर जगह क्लोज ब्रैकेट मतलब यहां पर भी क्लोज ब्रैकेट, यहां पर भी क्लोज ब्रैकेट, यहां पर भी क्लोज ब्रैकेट, ये आंसर हो गया। इस तरीके से देखो अब सारे समस्या का अंत कर दिया हमने, यानी अब आप इसमें परफेक्ट बन गए हो। डोमेन के सवालों की अब आपको जो टफ लगते हैं सवाल, अब हलवा टाइप के सवाल लगे, ऐसे लगे यार ये तो छोटे, सब ने तो इतने तीन तीन फैक्टर में बताया है, तो अब ये समझ लेना है आपको, ठीक है। आगे चल के हम बताएंगे, जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, नाम भले डोमेन है लेकिन खेल पुराने इक्वेशन का, जैसे मैंने कहा इसकी डोमेन निकालो, आगे चल के रूल बताएंगे, डोमेन निकालने का रूल होता है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा उसे क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, और इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएंगे, लीनियर होने चाहिए, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, अब क्या होगा, कहां पर जीरो, कहां पर जीरो, माइनस टू पर, और ये टू पर जीरो, तो क्या होगा, माइनस टू को पहले लिखो, टू को बाद में, फिर कैसे लाना है, पॉजिटिव लाना है, तो क्या होगा आंसर, माइनस इनफिनिटी से माइनस टू क्लोज ब्रैकेट और टू से इनफिनिटी, अब ढूंढ लो ऑप्शन में, यही होता है डोमेन। बेटा देखो नाम भले डोमेन है, अगर कोई सवाल ऐसे बना के दे, ऐसे लिख के दे तो ऐसा लगता है इजी है। डोमेन का ऐसा लग रहा है, मान लो किसी बच्चे को ये सब कुछ आता है, उसने फंक्शन नहीं पढ़ा तो उस चक्कर में बेचारा ये सवाल उसका चला जाएगा, जबकि ये नाम भले प्रांत बोल रहा, रूल होता है आगे बताएंगे डोमेन में, जब फंक्शन कल से स्टार्ट करें तो वहां पे बताएंगे, ग्रेटर इक्वल टू जीरो करना है, जो एक्स की वैल्यू निकली वही डोमेन हो जाती है। चलो ये तो अभी हमने बताया, अब जरा दो क्वेश्चन हम दे रहे, दो क्वेश्चन बस, पांच मिनट का और खेल है, देखेंगे दो क्वेश्चन दे रहे, इनको जरा सॉल्व करो, अब आपको अच्छे से सॉल्व करना है, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, नंबर सेकंड है एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, जल्दी सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें, इसको सॉल्व करना है बेटा, जल्दी से सॉल्व करें, हो गया बेटा, चलो अब देखेंगे यहां पर कितने लोगों से हो गया, काफी बच्चों से हो गया, मतलब आ गया सब कुछ, देखिए ये चीज है, पहली बार बताया था दो बच्चों का हाथ उठा था मात्र, ठीक है, तो वो चीज समस्या, मतलब सबसे बड़ी समस्या पूरा खेल या प्लस माइनस का ही है, हम तो समझ रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, लेकिन वो कैसे समझ रहा है, ठीक है, देखिए इधर, तो हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, देखिए इधर टू पर जीरो, माइनस फोर पर जीरो, वन पर जीरो, सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, वन, फिर टू, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, कैसा लाना है, देखो बार बार वही समस्या ये थी, ग्रेटर देन जीरो मैं तो समझ रहा हूँ, बेचारा वो भी समझे, तो इसलिए हमने आपको एक बता दिया, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या बोला करो, पॉजिटिव, लेस देन जीरो मतलब, और जहाँ पॉजिटिव बोल दिया तो हमें प्लस साइन दिख रहे हैं, उन पर टिक लगा देंगे, तो आंसर क्या होगा, जहाँ पर टिक लगाए कहाँ से कहाँ तक, माइनस फोर से वन, हर जगह क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, यूनियन टू से इन्फिनिटी, ये क्या है, अगर कोई पूछ ले ये क्या है, कह देना ये वो ढेर सारी वैल्यूज है जो आप हमसे पूछ रहे हो, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कोई भी वैल्यूज रख लीजिए दो से बड़ी, इनको सेटिस्फाई करेगा, माइनस चार से एक के बीच में रख लो, इनको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा बताओ अगर इसमें इक्वलिटी लगा दें तो, यहां पे क्लोज, यहां पे क्लोज, यहां पे क्लोज, इनफिनिटी पे कोई बदलाव नहीं हो, वो ओपन ही रहेगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या होगा बताओ, फाइव पर जीरो, टू पर जीरो, माइनस थ्री पर जीरो, क्या होगा, माइनस थ्री फिर टू फिर फाइव, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसे लाना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पे टिक लगाओगे तो क्या होगा आंसर, माइनस इनफिनिटी से माइनस थ्री क्लोज ब्रैकेट यूनियन टू से फाइव, कितना आराम मिल रहा है बताओ,
यही क्वेश्चन बेटा देखो आपकी समस्या, मैंने आप डोमेन वाले ऐसे हंसी आएगी तुम्हें सवाल करने में, ये हमसे पूछ रहे हो बताओ डोमेन के सवाल, वो तो ये तो दो तीन मल्टीप्लाई में चार भी कर देंगे पांच भी कर हो जाएगा सब, उसमें दो रहेंगे मल्टीप्लाई, वो भी ऐसे नहीं अभी जो दिया है वो परेशान ना होना, डोमेन अभी मैंने बताया नहीं, वो कल से स्टार्ट करेंगे हम तो पूरा समझ में आ जाएगा। आगे देखो समस्या कब आती है, मेरे जो मैंने स्टार्ट किया तो उसमें एक बात बोली थी, दो सेंटेंस को याद रखना, आपकी समस्या का समाधान उसी में, बच्चा परेशान होने, मैंने क्या बोला था इन वेबिकर्व मेथड को लगाते समय, इसको वेबिकर्व मेथड बोले, कोई कहेगा सर किस मेथड से, तो किस मेथड से, वेबिकर्व मेथड, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को किस मेथड से, वेबिकर्व मेथड से। तो आप बच्चों को एक बात और बता दें, जब भी स्टूडेंट सवाल देखता है तो कर लेता है, लेकिन वो एक सवाल देंगे हम गलत आंसर आ जाएगा, कहेगा आपकी टेक्निक गलत काम कर रही, वो काम नहीं गलत करी, तुमने सुनने में गलती कर दी, क्योंकि हमने सुनने में क्या बोला था, सबसे पहले तो फैक्टर लीनियर होने चाहिए, मल्टीप्लाई में होने चाहिए और सबका कोफिशेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा सवाल दे रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। देखो कैसे, और प्रूफ भी कर दे रहे हैं क्यों गलत हो गया, देखो ये क्या है, वन पर जीरो फोर पर जीरो, आपने क्या किया चार रखने पर जीरो होगा, वन और चार क्या होगा प्लस और माइनस फिर प्लस, कैसे होगा पॉजिटिव, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से वन, यूनियन फोर से इनफिनिटी रखो, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है चार से बड़ा मान सॉल्यूशन, रखो जरा पांच देखेंगे, पांच माइनस एक इंटू चार माइनस पांच, चार इंटू माइनस वन, ये माइनस चार निगेटिव आ रहा है, जबकि कैसा लाना है ये इसे सिद्ध हो गया गलत है आंसर, यहां से आपको विश्वास होना चाहिए यार ये तरीका गलत हो गया, इसका मतलब सर बताइए फिर क्यों गलत हुआ है, बताया तो एक्स का ऑप्शन निगेटिव हो गया, ये ध्यान तुम्हें रखना है, सवाल देख रहे हो ऐसी, तो सवाल डोमेन का पूछ लिया था, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, एनडीए 2019 का सवाल है, टू माइनस एक्स एक्स माइनस थ्री का प्रांत बताओ, डोमेन निकालने का क्या रूल होता है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन जीरो कर दो, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आंसर, तो यहां पर एक्स का ऑप्शन निगेटिव है इसलिए दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए परेशान ना हो, ये भी समस्या अंत हो जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, पहले तो एक टेक्निक बता दें और उसका फिर रीजन बताएंगे, ये बताओ बेटा माइनस दस माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ए ग्रेटर देन बी होगा, गलत सर क्यों, एग्जाम्पल के लिए माइनस दस और माइनस दो और माइनस दस में कौन बड़ा है, माइनस दो बड़ा है भाई, जो जितना कम नेगेटिव भाई, माइनस दो इधर होगा और माइनस दस, माइनस तीन माइनस चार माइनस दस, जो जितना पहले पड़ेगा उतना छोटा, आगे जा रहे हो तो बड़ा हो जाएगा माइनस दो, तो बड़ा हो गया, माइनस माइनस कैंसिल करो, दो ग्रेटर देन दस, क्या सही है, इसलिए याद रखना आप इन इक्वेशन में कभी मल्टीप्लाई नहीं सॉरी कैंसिल नहीं कर सकते, अगर यही चीज इक्वेशन लिखी होती तो ये कैंसिल हो जाता, लेकिन ये आपकी इन इक्वेशन है, तो सर फिर ये माइनस कैसे हटेगा, माइनस का गुणा करना पड़ेगा, सर मैंने सुना है कि माइनस का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इन इक्वेशन का जो है पलट दिया जाता है, ये क्या रूल होता है, अरे तुम खुद बनाओ रूल, माइनस का मल्टीप्लाई करो जरा, टू ग्रेटर देन क्या ये सही है क्या, इसका मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करने से प्लस हो गया, प्लस हो गया, अब क्या होगा खुद बताओ क्या होगा, खुद पे तो इनइक्वालिटी पलटेगी नहीं पलटेगी, ये खुद समझ में आ रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर किताबों में आपने लिखा हुआ कि इनइक्वालिटी पलट, तो उसका मतलब तो समझो, इसका मतलब वो बड़ा हो जाएगा इसलिए पलट जाता है, ये थोड़ा ना कि पलट जाता है वो बड़ा है भाई, जितना बड़ा निगेटिव होता है ना उतना छोटा होता है, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने से वो बड़ा, माइनस और माइनस दो में कौन बड़ा, जितना ज्यादा निगेटिव हो उतना छोटा हो जाएगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो जो जितना बड़ा निगेटिव था वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए माइनस जब भी इनइक्वेशन में माइनस कैंसिल करना हो तो दोनों तरफ क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लाई करना, इनइक्वालिटी का पलट देना, तो बस यहां पे यही करना था, यहां पे क्या करना है, एक्स माइनस वन माइनस कॉमन लो एक्स और माइनस फोर, वो माइनस कहां गया, बाहर लिख दो कहीं भी मल्टीप्लाई, बाहर लिख दिया, ग्रेटर देन माइनस का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अब तुम्हें ये भी नहीं करना, ये सब डिटेल में नहीं करना, ये भी नहीं करना, आप क्या करना है बताओ, ये है इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो, देखो ये है x माइनस वन, अगर बीच में माइनस साइन x का ऑप्शन नेगेटिव बन रहा है तो इनको इंटरचेंज करो, क्या होगा, इनको इंटरचेंज करोगे तुरंत इक्वलिटी का साइन पलट जाएगा, ऐसे याद रखो, माइनस वन इसको मन न लो, कभी भी x का ऑप्शन नेगेटिव दिख रहा है इनको अदला बदली कर दो, जैसी एक बार बदलोगे तो क्या होगा, इसको बदलना पड़ेगा, बदलना मतलब उल्टा कर दो, ये ऐसे लिखा पॉजिटिव क्यों अपना, ऐसे लिख दो नेगेटिव, मतलब सॉल्व वही करना है, दोबारा मत लिखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव लाना, उल्टा बोल दो, जैसे ये लिखा है ये है, अगर हमने कहा थ्री माइनस एक्स एक्स माइनस फाइव लेस देन जीरो, इनको इंटरचेंज करोगे क्या लाना है, क्या लाना है, अरे इसको इधर लिखोगे इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज करने पर क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बस इतना याद रखो,
सर वो इक्वलिटी लगा होगा तो इक्वलिटी लगे रहने दो, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसको जरा सॉल्व करो, इनके आंसर लास्ट ये दो क्वेश्चन दे रहे, इनको सॉल्व कर लीजिए, बस कंप्लीट हो गया। x माइनस फाइव टू माइनस एक्स लेस देन जीरो, नंबर सेकंड है x प्लस वन फाइव माइनस एक्स और लेस देन इक्वल टू जीरो, बस ये दो क्वेश्चन हैं, कंप्लीट हो गया भैया। बताइए कैसे होगा, इसको सॉल्व करना है, बताइए कैसे होगा, सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व होगा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव टू माइनस एक्स, कैसा लाना है भाई। कई तरीके हैं आपके पास, बस आपका माइंड किस तरीके से काम करता है ये दिक्कत है। जैसे हमने कहा क्या लाना है, नेगेटिव, लेकिन हमने देख लिया सब ऑप्शन नेगेटिव है, तो हमने क्या बोला पॉजिटिव, उल्टा कर देंगे। फिर यहाँ पे लेस देन जीरो है तो हमें कैसे लाना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि वो मालूम है डिटेल में आपको, इनको इंटरचेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। इसका मतलब हमें नेगेटिव नहीं लाना, क्या लाना है पॉजिटिव। तो क्या होगा बताओ, थ्री फाइव, अच्छा गलत हो गया, थ्री फाइव और ये कहाँ पे, वो जैसे टू देख रहे हो, टू रखने पर जीरो होगा। एक्स की वैल्यू क्या रखोगे जिससे वो जीरो होगा, टू, माइनस टू रखोगे तो प्लस फोर हो जाएगा, तो टू रखोगे। तो अब ये ध्यान रखना है छोटा नंबर कौन है, टू फिर थ्री फिर फाइव, तो क्या करोगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसा लाना है नेगेटिव। तो क्या होगा बताओ, एक्स बिलोंग्स टू, बोलो सर वो तो पॉजिटिव लाना था, क्या नेगेटिव लाना था। अरे यार देख नहीं रहे हो एक्स का ऑप्शन नेगेटिव है, अगर दो बार एक्स का ऑप्शन नेगेटिव हो, एक बार पलटेंगे फिर उसको भी पलटेंगे तो वही आ जाएगा। मतलब अगर तुम्हें एक्स का ऑप्शन इवन बार दिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा इवन का मतलब एक बार दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तीन बार दिख रहा है एक्स का ऑप्शन नेगेटिव तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो। और अगर ऑड बार दिखेंगे, मतलब सॉरी ऑड बार दिखेंगे, अगर जैसे एक बार दिख रहा है तो नेगेटिव है तो क्या हमें टिक लगाना, पॉजिटिव वाले को टिक, अगर इवन बार दिखेंगे तो वही रहेगा। क्योंकि अच्छा कोई कहेगा सर क्यों भाई, देखो इसको पलटा उसका साइन पलटा, दूसरे वाले को पलटो फिर वही साइन आ जाएगा। भाई अगर मैंने कहा इसको दो बार पलटना है, एक बार करो दोबारा से वही आ जाएगा, एक बार किया फर्स्ट बार फिर सेकंड बार किया दोबारा वहीं पहुंच गए। तो इसका मतलब दो बार तुम्हें एक्स के क्वेश्चन नेगेटिव दिख रहे हैं तो वही रहने दो साइन, ग्रेटर देन जीरो ही। और तीन बार दिख रहे हैं, एक बार दिख रहा है, पांच बार दिख रहे हैं, वैसे एक ही बार तुम्हें दिख रहा है, दो बार दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना होगा आंसर बताओ, कैसे लाना है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे टिक लगा दिए। तो आंसर क्या होगा, दो से तीन पांच से इन्फिनिट। और दूसरे वाले का, सेकंड वाले को क्या करोगे, ऐसा को वो तुरंत नजर पड़ जाएगी कितनी बार एक्स का ऑप्शन नेगेटिव, एक बार, तो क्या होगा पॉजिटिव लाना। अब हमें इस पे ध्यान देना है, तो ये माइनस वन फाइव और ये फोर, सबसे छोटा माइनस वन फिर फोर फिर फाइव, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसे लाना है पॉजिटिव। तो क्या हो गया आंसर, माइनस वन से फोर यूनियन फाइव से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। देखो बेटा हमने क्या कहा कि अगर एक्स का कोफिशियंट नेगेटिव है तो आप जानते हो, कोई भी सवाल दिया होगा, मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो अगर इसको डिटेल में करना है तो आप ये करोगे x प्लस वन एक्स माइनस फोर, इसमें नेगेटिव है ना, इनको इंटरचेंज कर दो x को पहले, और ये टेक्निक बता दिए, इनको इंटरचेंज करोगे जब भी x का ऑप्शन आप पॉजिटिव करोगे तो इसको आपको पलटना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, जहां तुम्हें नेगेटिव दिख दिया तो नेगेटिव नहीं, अब हमें पॉजिटिव लाना, तो ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी तुमको, ठीक। अब ये क्या होगा, कहां पर जीरो, माइनस वन फाइव और ये फोर, तो ये क्या होगा माइनस वन और ये फोर और ये फाइव, कैसा लाना है बोलिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टिक कर लगा दिया, आंसर आ जाएगा।
बिल्कुल परेशान ना, बहुत आसान है और फंडा बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ये चीज़ आपको बता दी, कल से हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे और जो आपको बताया है ऐप पहचान कर इंस्टीट्यूट, उसको भी डाउनलोड कर दीजिए। उसमें भी आपको कई सारे फ्री में कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा उसमें जाना, उसमें हमारी ऐप में तो खाली है, वहाँ तो बहुत कुछ मिलेगा। और शनिवार को आप जरा अपने बच्चों को, दोस्तों को शेयर कर लें कि सांख्यिकी जो कि एक डर है वो ख़त्म करने हम आ रहे हैं शनिवार को 10 से, बताया तो देखो इधर, अभी हम पोस्टर भेज देंगे। शनिवार को 6 तारीख को यानी कल है 10 से 12 रात में फर्स्ट राउंड, आधे घंटे का गैप देते हैं हम, उसमें आप चाय बना सकते हो, नहा सकते हो, अगर नहाते हो तो नहा भी लेना। और फिर 12:30 से 3 ये सेकंड राउंड, और फिर 3 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है? तो ये सब।